खाओ जी यहाँ पर कर रही हूँ मैं समोसा बनाने की तैयारी। तो ये है 2 कप के बराबर मैदा, उसमें डाल दिया है नमक और थोड़ा सा अजवाइन और कुकिंग ऑयल, इन सबको कर लिया है मिक्स। और पानी की सहायता से मैंने यहाँ पे सख्त आटा लगा लिया है मैदे का, तो गूंथ के अच्छे से गूंद लेना है। उसके बाद मैंने ढक के रख लिया है। इसे गूंदने के बाद हम उसे गीले कपड़े में ढक के रख लेंगे और करेंगे उसके अंदर आलू भरने के लिए आलूओं को तैयार। तो यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल, इसमें डाल लिया है जीरा और उसके बाद जो आलू थे उनको भी डाल लिया है, मैश हुए आलू हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे अब हम सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल ली है, उसके बाद लाल मिर्च यहाँ पे मैंने डाला है और 1 चम्मच के करीब यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर और 1 चम्मच के करीब यहाँ पर डाला है जीरा पाउडर भी। और साथ ही मैं सबको मिक्स करके यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला का पाउडर भी डाल लिया और नमक भी साथ में साथ इसमें मिक्स करके इसको अच्छे से तेज़ आंच पे मैं यहाँ पर इसको चला रही हूँ जिससे कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ये बन गया है तो इसमें मैंने चाट मसाला डाल लिया है और यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए अब रख दूँगी थोड़ी देर। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ समोसा बनाने की अब तैयारी। तो इसको बेल लेंगे, बेलने के बाद इसको थोड़ा सा लंबा के आकार में बेलेंगे और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। इस तरह इसको फोल्ड करते हुए हम इसमें अब मसाला भरेंगे और चिपकाने के लिए थोड़ा सा पानी लगा के इस साइटों को इस तरह चिपका देंगे तो ये निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह हल्का सा प्रेस करके चिपका दिया है और इसमें अब भरूँगी मैं मसाला। तो यहाँ पर मैं मसाला भर लिया 1 चम्मच के करीब और उसके बाद ऊपर की साइड भी हम इसी तरह इसको थोड़ा सा पानी लगा कर चिपका लेंगे। बस इसको समोसे का आकार दे दिया है यहाँ पर मैंने और इसी तरह बना के पहले मैं रख लूँगी बहुत सारे। तो यहाँ पर मैंने बना के रख लिए हैं अब और तेल गरम हो चुका है और उसके बाद धीमी आंच पर इसको चलना है, बिल्कुल धीमी आंच पर। यहाँ पर मैं उसको फ्राई कर रही हूँ और धीमी आंच पर ये एकदम अच्छे से कुरकुरे बन जाएंगे, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रंची। तो यहाँ पर मेरे समोसे सभी जितने भी बनाए थे बहुत बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इसी तरह और जो समोसे हैं उनको भी बना के तैयार कर लेंगे। खाओ जी खाओ और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।